आशा सोम किचन में आपका स्वागत है। आज की जो रेसिपी मैं आपके संग शेयर करने जा रही हूँ, यूं तो वो आता है फलों की कैटेगरी में, जी हाँ मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे जैक फ्रूट्स की बात। जैक फ्रूट्स आमतौर पे हमारे भारतीय व्यंजन में बहुत ही बढ़िया स्वाद देता है और हर कोई इसको खाना पसंद भी करता है। वहीं बाहर के देशों में इसको फल के रूप में खाया जाता है, जो हम लोग यहाँ पे नहीं करते हैं। मैं शुरू से ही अपनी वीडियोस में कटहल की कई प्रकार की सब्जियां आपके संग शेयर कर चुकी हूँ, कटहल से बने कुछ खास रेसिपीज भी आपके संग शेयर कर चुकी हूँ। आपको आई बटन में उसके सारे लिंक्स मिल जाएंगे। आज की ये रेसिपी इसलिए खास है क्योंकि ये कटहल की सब्जी मैंने बिना किसी गरम मसाले, चाहे वो पाउडर हो या खड़ा साबुत गरम मसाला, मैंने यूज नहीं करा है, सिर्फ 2-3 मसालों से ही बनाया है ये कटहल की सब्जी को। तो क्या है ये रेसिपी और कैसे मैंने इसे बनाया है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और मेरी रेसिपी को लाइक शेयर एंड कमेंट्स करना ना भूलिएगा। मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को जरूर हिट कर दे, ताकि आपको ऐसी ही मजेदार रेसिपीज विद खास इन्फॉर्मेशन के साथ मिलती रहे, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कटहल की ये खास और बहुत ही अलग सब्जी। कटहल की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है और इसमें डाल देंगे 500 ग्राम कटहल। मार्केट में आजकल बिना छिलके के भी आपको कटहल मिल जाता है, तो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप इसे घर में मनचाहे शेप में काट सकते हैं, बस चाकू और अपने हाथ पे सरसों का तेल अप्लाई कर ले, अच्छे से रब कर ले, उसके बाद इसको मनचाहे शेप में काट ले। तो अब मैं इसको प्रेशर कुकर में डाल दूंगी। प्रेशर कुकर में इसको डालने के बाद जितना ये डूब जाए उतना पानी डाल देंगे। 2 कप पानी डाल दिया है मैंने इसमें, नमक नहीं डालना है, कोई और मसाला भी इसमें ऐड नहीं करना है। अब मैं इसमें ढक्कन लगा लूंगी। 1 सीटी आने तक हम इसको बॉईल करेंगे और 1 सीटी आते ही तुरंत हमको गैस ऑफ कर देनी है। 1 सीटी आने के बाद मैंने प्रेशर अच्छे से ठंडा करके कटहल को इस तरह से एक छन्नी में निकाल लिया है। पानी आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है। इस वाली छन्नी से ये होता है कि पानी बिल्कुल ड्रेन हो जाता है और हमें इस तरह से कटहल उबले हुए मिल जाते हैं। ज़्यादा ओवर कुक भी हमें नहीं करना है, हमें थोड़े से इसे टाइट रखना है। तो चलिए अब जल्दी से मेन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने कढ़ाई को बहुत अच्छे से गर्म कर लिया है। अब इसमें डाल देंगे 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे जब तक इसमें से धुआं ना निकलने लगे। तेल में से अच्छे से धुआं निकलने लग गया है। अब इसमें डाल देंगे 1 चम्मच खड़ा साबुत जीरा, फाइन ग्रेट करा हुआ अदरक, 8 से 10 चॉप किए हुए लहसुन की कलियां। अब इनको अच्छे से मिलाएंगे और इसे 2 मिनट के लिए ऐसे ही फ्राई कर देंगे। फ्लेम मीडियम टू हाई होनी चाहिए। लहसुन और अदरक गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, 2 मिनट मुझे इसे चलाते हुए हो गया है। अब इसमें डाल देंगे कम तीखी हरी मिर्च, या तीखा अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं, इसे भी चलाएंगे। अब इसमें डाल देंगे 2 मीडियम साइज के प्याज, जिसको मैंने बहुत ही फाइन चॉप किया है। इसे हम 2 मिनट सुनहरा होने तक भून लेंगे। प्याज अच्छे से सुनहरी हो गई है। अब हम डाल देंगे 3 मीडियम साइज के टमाटर। जैसे कि 2 मीडियम साइज के प्याज लिया है मैंने, तो उसी के रेशियो में 3 मीडियम साइज के टमाटर, इसको भी मैंने फाइन चॉप कर लिया है, ये डाल देंगे और अब इसको हम मिलाएंगे। टमाटर डालने के बाद अब बारी आती है सूखे मसाले ऐड करने की। 1/4 चम्मच लेंगे हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लेंगे लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, नमक स्वाद अनुसार,
अब इन सारे मसालों को हम टमाटर प्याज इन सारे मिश्रण के साथ मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को स्लो करके इसे 1 से 2 मिनट ढक के हम रखेंगे ताकि मसाले टमाटर और सारा मिश्रण अच्छे से पक जाए। 2 मिनट हो गए हैं, इसको चलाएंगे, मैश कर देंगे। फ्लेम को मीडियम करेंगे और इसको 1 मिनट फिर से ऐसे ही मिलाते हुए चलाएंगे। मसाला मिलाने के बाद अब ऐड कर देंगे हमारे बॉईल करे हुए कटहल, इसको हल्के हाथों से मिलाएंगे। फ्लेम को बिल्कुल स्लो करके 8 मिनट के लिए इसको ढक के हम पकाएंगे। 8 मिनट हो गए हैं, एक बार मैंने इसको अच्छे से पलट लिया था, अब इसे फिर से चला लेते हैं हल्के हाथों से। गैस को बंद कर देंगे और फ्रेश हरा धनिया हम इस पे स्प्रिंकल करेंगे, मिला लेंगे। गर्मा गर्म इसको सर्व करेंगे। लीजिए, बनके तैयार है हमारी कटहल की एक मजेदार सब्जी। आपको ये सब्जी कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। मैं आशु शुक्ला मिलती हूँ आपसे ऐसी बहुत सारी मजेदार अमेजिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।